monster inside of me. You better watch out if you ignite him. He's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day, leave the bones clean. I feed him all the hate and he grows mean. He gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit. Hey yo and welcome back to my YouTube channel guys, and I hope कि आप सारे अच्छे हो, खुश हो और सेहतमंद हो, because तुम्हारे भाई की भी थोड़ी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, that's why मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था एंड कहीं भी मैं अपलोड कुछ नहीं कर पा रहा, ना कि इंस्टाग्राम पे भी कुछ भी नहीं. तो अभी थोड़ा बहुत सही लग रहा है, बिकॉज यू नो जलने वाले लोग हैं ना, आपसे बहुत ज़्यादा जल जाते हैं. तो मेरे साथ हुआ क्या था वो शायद मैं आगे बताता हूँ वीडियो में, बिकॉज आज ग्वालियर में कार्तिक कस्टम आया है भाई, तो क्यों ना उनसे मिला जाए. बिकॉज यार कार्तिक भाई से मिलने का इतना वो नहीं है जितना कि वो V900 देखने का है मेरे को, बिकॉज जो मुझे जानते हैं यूट्यूब पे उन्हें पता है कि मैं पागल हूँ भाई V900 के लिए. मैं बीमारी की हालत में जाने के लिए तैयार हूँ. देखो खुद ही डाला हुआ है, बिकॉज वेदर बहुत गंदा हो रहा है. एक बार वेदर देख लो, कभी भी लगता है बारिश हो सकती है, तो इसलिए मैंने ना हुई डाल लिया है ताकि रेस ना लूँ. लोग मेरे को पागल समझ लें, लेकिन अपनी सेहत को अपन को ही देखना पड़ता है ना. तो फिलहाल यहाँ से निकलते, मैंने पूरा सेट कर लिया है ना, आज मैंने ये पहना है. जल्दी मैं निकलता हूँ यहाँ से, मेरे को डी नगर जाना है, बिकॉज सिद्धार्थ के घर जाऊँगा पहले, फिर वहाँ से निकलेंगे, सिद्धार्थ के लिए था. चलो. ओके तो भाई तुम्हारा फुल सेट हो गया, ठीक है. बारिश भी आई थी अभी थोड़ी सी, मैंने जैसे बताया था. बाकी मैं निकलता हूँ यहाँ से. चलो भाई निकलते हैं फिलहाल. ओहो भाई आज तो मेरे से ना पावर इसमें भाई, तुम्हारा भाई लिटरली बीमार है, ठीक है. मजाक में मत लेना, ये ओडी को फैशन मत समझ लेना, ठीक है. अभी मेरे को रास्ते में बहुत से लोग तो यही कहने वाले हैं कि भाई एस्थेटिक का 14. तो भाई लोग पेट्रोल पंप से तो बहुत दूर आ गए, बिकॉज वहाँ पर ना हवा थी नहीं, यानी बाइक में भी है हवा, तो मैं सोच रहा हूँ आगे कोई दुकान मिले अच्छी. नहीं मीन्स हवा तो हवा वाली दुकान ही मिल जाए यार, बिकॉज जो भी मिली अभी तक वो गलत रूट पे ही मिली, तो मैं उधर जाना ही नहीं, वहाँ तक जाना. अरे आंटी क्या हो गया? एक और जन्म है. मैं भी बैठूँगा. ओ बहुत दिन हो गए यार, बाहुबली मेरे मुँह से वर्ड नहीं निकला ना, मैं खुद मिस कर रहा हूँ वो वाला वर्ड. आपसे लोग जो जलते हैं ना, वो आपको बहुत ज़्यादा यू नो नफरत देते हैं अपने साइड से, जिसके कारण आप ऐसे हो जाते हैं. तो बस ये अच्छी भी बात होती है कि हाँ आपसे जलने वाले हैं, इसका मतलब आप तरक्की कर सकते हो. तो बस अल्लाह करम है, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का साथ है, प्यार है, बस है ना. और जब तक अल्लाह मेरे साथ है अब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता भाई. ख़त्म. ओ भाई बहुत दिनों के बाद, लाइक ओकू को थोड़ा सा खींचा, मैं रेस नहीं देखी उन्हें कितनी पे गया मैं, है ना. खमा का खा ओ मेरी जान यार. देखो अब तुम लोगों को, मेरे को पता नहीं तुम्हें बीमारी में कैसा फील होता है, बट यार मेरे को घर में बैठना नहीं पसंद, कसम खुदा कि मुझे घर में बैठना नहीं पसंद. जब तक तुम निकलोगे नहीं, जब तक ये दुनिया को कैसे देख पाओगे कि ये दुनिया कितनी खूबसूरत है, ये सब तुम्हें खुद ब खुद हील करती है यार. ये हवा, ये पानी, ये सर्दी, ये नहर, बस हो गया बहुत सारी बातें मेरी. यार मेरे को बिलीव नहीं हो रहा मैं आज V900 देखूँगा. ओ भाई मैं रो दूंगा भाई, मैं पागल हो जाऊँगा, मैं चिल्लाने लग जाऊँगा, मैं चिंगाड़ने लग जाऊंगा यार. भाई V900 देखने की खुशी देख रहे हो तुम. अब सोच के देखो यार कि जब कभी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ आया कि अपन जब खरीद पाए, इंशाल्लाह अपन खरीदेंगे ज़रूर. देखो यार भाई जो लाल अभी है ना, वो ना सिद्धार्थ के घर आ गए एंड जरा कॉलेज से डाला है लौंडे को मैं. और ये स्वागत के लिए ये है, ठीक है. ये स्वागत के लिए ऐसे तुम बकरी है, वो काट मत लेना भाई, गलती दे रही है, बीमार आदमी, ठीक है. तो अभी यहाँ से आ गया, मैंने ना भाई को फ़ोन किया था, अमन भाई को फ़ोन किया था जिसके होटल में है वो. तो भाई पता चला है कि थोड़ी देर के बाद अपन निकलते हैं ना.
to go down. Okay, तो भाई Z 900 मेरा dream भाई. भाई मैं रो रहा हूँ. Fuck Z900. भाई Z900. क्या ना मैं touch कर रहा हूँ ना इसे. भाई साहब. अरे ड्रीम भाई की मेरी मैं टच करके फील कर लूँ पहले. ड्रीम भाई के फील कर लूँ पहले इसको. पता ये बैग किसका है? ये बैग है कार्तिक भाई का. वो बैस की जी 900 गई. मैं जी 900 के पास ही रहूँगा. अरे यार कौन सी बाइक है ये? भाई गांव वालों ने हेल्प की. भाई भी ठीक है, लगी नहीं है उसको. ठीक है एंड चलो. They never believe me. Yeah, I would never drop the ball. I know I make it look easy. Yeah, Mayweather with the defense. I don't care what a critic got to say. I got them picked in other pieces. That of me, you really playing with your life. I'm about to come and run it all back. I'm the new era, about to snap back. You be fitting for it, cause you don't care. Like, hello, I shoot my shot. Wait, hello, I really about to run this show up. You know what's up there when it go up. Ain't got no other plans. You don't need to understand it. Alright guys, so I hope कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो. इस बार मैंने थोड़ा अलग ट्राई किया, थोड़ी कलर ग्रेडिंग की है ना, म्यूजिक भी थोड़ा अलग से डाला है. एंड आई होप कि आपको अच्छा लगा हो. एंड Z900 को तब आज से देख के भाई लिटरली बता रहा हूँ मेरी आंखों में आंसू आ गए थे. मैं शिवर करने लगा था बट वो मैंने बताया नहीं बिकॉज आई एम अ स्ट्रॉन्ग गाय एंड वन डे अपने पास भी Z900 होगी इंशाल्लाह. ठीक है मैं क्या है ना लेट हो गया था रात को, तो मैं आज अगले दिन वीडियो वाली शूट कर रहा हूँ आउटरो और वही जगह है जहाँ से शुरू किया था. तो मिलते हैं ना एक वीडियो में. तो बाय. ठीक है.